रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए 10 इयर्स ओल्ड की जो बेबी गर्ल है उसका साइज़ लेके आई हूँ, उसकी कटिंग आपको करवाऊँगी। और ये अक्सर हम लोग सीडी लेस का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को कटिंग का होता है कि हम कम या ज़्यादा कैसे रखें, तो आज मैं आपके सामने कटिंग करती हूँ। ये मेरे पास इसका साइज़ लिखा हुआ है। सबसे पहले चौड़ाई, चौड़ाई कम या ज़्यादा हस पे ज़रूरत, जैसे आप रखना चाहते हैं, एयरलाइन रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इनकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो चूंकि मैं ज़रा बच्ची का खुला शर्ट उसकी बनाना चाहती हूँ, जी मैंने ना इसकी जो चौड़ाई है मैं वो 24 पे रखूंगी। ये मैंने 24 पे मार्क कर लिया। मैं इसकी लेंथ लूंगी, लेंथ है हमारे पास 30। फोर में ही मैंने उनकी सिलाई का सारा हिसाब रख लिया है, तो इनकी जो तैयार लंबाई है वो है 30। तो मैं ये 31 रख रही हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया। अब मैं इनकी लंबाई और चौड़ाई उतार लूंगी। ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा अलग कर दूंगी। मन हाँ जी, अब हम तीरे का नाप लेंगे। पहले तीरे का है 12, तो हम 6 लेंगे। ये इनका तैयार है, ठीक है। हम सिलाई का मार्जिन भी बीच में रखेंगे, तो मैं इनका रख रही हूँ 6.5, ठीक है। उसके बाद 6 है तो मैं 1 आगे बढ़ा दूंगी। यहां से लूंगी, दो इंच का मैंने इधर निशान लिया, 2 इंच का इधर लिया। ये देखिए, ये आप से नीचे लूंगी, ये 3 गले की चौड़ाई, बैक बैक 3 ही गहराई। अब इनकी यहाँ से चौड़ाई है 24, तो हम इसका हाफ लेंगे। अब चूंकि मैंने इसके अंदर कली डालनी है, मैंने इसके यहाँ से कट करूँगी। कट करने के बाद मैं दोनों पीसेस के दरमियान में ये सीढ़ी लैस का जोड़ डालूँगी। तो इस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, तो मैं यहाँ 7.5 पे निशान। अब चूंकि इनकी चौड़ाई तो 24 है, उसके हिसाब से मैंने 12 का हाफ 6 रखना है, क्योंकि ये डबल पीस है। तो 6 से मैंने 2 इंच का इसलिए ज़्यादा रखा है कि ये जो दरमियान में जब मैं सीढ़ी लैस डालूंगी तो ये स्टिच में आएगा, तो उतना कपड़ा स्टिच में भी आएगा, इधर भी स्टिचिंग में आएगा। अब मैंने इनका कुर्ते की शेप रखनी है एयरलाइन टाइप में, तो मैं इनकी सिर्फ जी
ये देखिए, कि मैं इनके स्लेट पे छोटे रखना चाह रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको मार्क कर लिया। देखिए अब यहाँ से ये हमारा सिलाई है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हमने। टेप है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं कट करके निकाल। आप देख सकते हो ये हमारे पास इसके देखिए ये बैक, क्योंकि ये मैंने बैक की कटिंग की है तो फ्रंट की जो कटिंग है उसमें हम थोड़ा सा इसको और गहराई में देंगे। इससे शर्ट के ये इस हिस्से की बहुत अच्छी शेप आती है। ये देखिए ये हमारे पास फोर पॉइंट पे है, ठीक है। टू पे हम एक निशान लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने निशान लगा लिया है, मैंने इस पर कटिंग कर देनी है और इसके दरमियान में मैं ये सीढ़ी लैस लगाऊंगी इस तरह से। ये सिंपल कुर्ता सीढ़ी लैस के साथ तैयार हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से जी। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, कंधे की कटिंग, ये देखिए, ठीक है। जी व्यूअर्स इसको चेक करें, कटिंग की शेप चेक कर लें। हमारे पास कपड़ा जो था वो बिल्कुल पूरा पूरा था, एक्स्ट्रा उसमें कपड़ा नहीं था, हमने उसी में उसको कंप्लीट किया।
अब व्यूअर्स छोटी बच्ची का है तो आप इसमें यहाँ सीढ़ी लेस लगा के इसके आगे एक्स्ट्रा कपड़ा छोटा सा जोड़ के तो आप उसको डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। दरमियान में से हम कट करके उसमें सीढ़ी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्ची का है तो जैसा आप चाहें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद डिज़ाइनिंग भी साथ साथ बताती चलूँगी। जी व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।